ये जो ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे 3 ट्रांसफार्मर हैं और इनका जो नंबर है 12012 नंबर की, ये ट्रांसफार्मर है हमारे, और 12012 2 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, तो इनकी मदद से आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन बनाकर दिखाने वाले हैं कि स्पॉट वेल्डिंग आप इन 3 ट्रांसफार्मर का यूज करके किस तरह से बना सकते हैं, जिससे हम क्या होगा कि छत वाले पंखे होते हैं या फर्राटा पंखा, उनके जब हम कनेक्शन लीड निकालते हैं तो उनमें हम बिना सोल्डरिंग के रहने देते हैं, या हम सोल्डर वायर से उसे सोल्डरिंग करते हैं कनेक्शन को, तो आप वही काम इसकी मदद से आप किस तरह से कर सकते हैं। तो बने रहिए आज की वीडियो में, वही हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं किस तरह से आप बिना सोल्डरिंग आयरन के आप कनेक्शन को स्पॉट वेल्डिंग किस तरह से बना सकते हैं और उसका जॉइंट को पक्का किस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए आपको 3 ट्रांसफार्मर 12012 के चाहिए, 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। तो इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं आपको, तो देखिए ये इनपुट वाले जो भी वायर हैं हमारे रेड कलर के, तीनों ट्रांसफार्मर के ये वाले हैं। तो इनपुट वाले वायर के कनेक्शन हम पहले बताते हैं आपको किस तरह से रखना है। तो देखिए, इसका ये पहला सिरा, इसे ट्रांसफार्मर का सबका पहला सिरा आप लोगों को एक एक करके बना देना है, इकट्ठा करके। देखिए, तीनों ट्रांसफार्मर का हमने एक एक सिरा ले लिया पहला नंबर का, तो उसे हम तीनों को कर देते हैं इकट्ठा, ठीक है। इस तरह से आपको कर देना है, ये हो गया एक कनेक्शन। अब बाकी के हमारे दो दो नंबर के वायर दोनों तीनों ट्रांसफार्मर के बचे, उन्हें भी हम इस तरह से इकट्ठा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे ये तीनों ट्रांसफार्मर अब एक ही सप्लाई पे कनेक्ट हो गए। अब हम जो इनपुट सप्लाई देंगे 220 वोल्ट का, वो इन्हीं दोनों वायर पर देंगे, ठीक है। ये तो कनेक्शन हो गए इनपुट वाले। अब आउटपुट में हमें जो मिलने वाला है उनके कनेक्शन हम यहाँ पर देखिए, एक ट्रांसफार्मर में हमारे 3 वायर हैं, इनके कनेक्शन हम किस तरह से रखने वाले हैं। तो देखिए, इनका भी आपको सेम तरीके से रखना है। हर ट्रांसफार्मर का पहला वायर पहले वायर से आपको कनेक्ट कर देना। देखिए, इसका ये पहले नंबर का वायर ये है, दूसरे नंबर का ये है ब्लू कलर का, फिर तीसरे नंबर का ये है। तो पहले नंबर का ये लेना है हमें, इसका पहला नंबर ये है और इसका पहला नंबर हमारा ये हो गया। तो इस तरह से तीनों हमारे पहले नंबर के वायर हो गए, इस तरह से इन्हें कनेक्ट कर दिया हमने। अब हमें वायर लेना है लास्ट वाला, ये तो हमारा 12012, तो पहला वायर आपको 12012 वाला सभी का कनेक्ट कर देना है। अब बीच वाला आपको खाली छोड़ देना है। अब लास्ट वाला वायर इसी तरह से आपको तीनों ट्रांसफार्मर का कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे कनेक्शन इसके हो गए कंप्लीट। अब इसे हमें चलाने के लिए और क्या चीज़ चाहिए, तो देखिए, इसे चलाने के लिए आपको एक इस तरह का होल्डर टाइप का बना लेना है। ये जो आप देख रहे हैं, सबसे मेन काम इसका है, ये है हमारी जिस तरह के सेल आते हैं पहले घड़ी में या रेडियो में, जो हमारे जो सेल आते थे उनके अंदर ये इस तरह की ये काली रॉड निकलती है। इसे आपको इस तरह से किसी भी होल्डर में लगाकर सेट कर लेना है, और एक वायर यहाँ से कनेक्ट करके आपको इस तरह से लकड़ी पर इसे सेट कर लेना है, ताकि तो इस तरह से आपको इतना सेटअप बना के तैयार कर लेना। अब आप इसे हम चला कर आपको दिखाते हैं किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो एक वायर को तो हम इसका ये जो वायर है, एक वायर इसे हम किसी भी एक वायर पर कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। एक वायर पर हमने ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमारा एक वायर ये बचा, इन तीनों वायर को जो हमारे बीच वाले वायर हैं हमारे ट्रांसफार्मर के, उन्हें हमें खाली छोड़ देना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से इनपुट देना है, और आउटपुट में हमें जो स्पार्किंग करना है दोनों का जॉइंट करना है, वो इन्हीं वायर से करना है इसकी मदद से, ठीक है। इसके बीच में आपको ये कनेक्ट जरूर करना है, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। अब इसे चलिए हम पावर सप्लाई देते हैं, 220 वोल्ट पे इसे कनेक्ट करते हैं, फिर आपको चेक करके दिखाते हैं ये किस तरह से काम करता है। देखिए, इसे हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें देखिए, एक होल्डर तो हमारा ये हो गया पॉजिटिव, इसे मान लेते हैं, नेगेटिव हमारा इसे मान लेते हैं हम। अब देखिए, इसे हम आपको स्पॉट करके दिखाते हैं। अभी हमने इसमें जो तार स्पॉट कर रहे हैं वो हमारा 23 नंबर कॉपर का वायर है। देखिए, इसे भी ये कितनी आसानी से इसे मेल्ट कर देगा और हमारा जॉइंट एकदम पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पंखे का कॉपर वायर का जॉइंट मार सकते हैं, क्योंकि 23 नंबर तार हमारा काफ़ी मोटा तार होता है, इसे हम किसी भी पंखे से रिमाइंड नहीं करते हैं। देखिए, हमारा जॉइंट कितने अच्छे से लगा है। तो इस तरह से आप ये घर पर बना सकते हैं।